हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल दिस इज सीमा सैनी आई होप यू आर अ गुड सो स्टूडेंट टूडे वी विल डिस्कस अ न्यू चैप्टर फ्रॉम क्लास इलेवंथ हॉर्नबिल बुक दैट इज चैप्टर नंबर सेवन द एडवेंचर रिटन बाय जयंत नार्लिकर फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट द मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस चैप्टर देन इंट्रोडक्शन एंड डिटेल समरी सो स्टार्ट विद मेन कैरेक्टर फर्स्ट कैरेक्टर प्रोफेसर गायटोंडे ओके प्रोफेसर गायटोंडे ऑल्सो नोन एज गंगाधर पंथेसर गायटोंडे को गंगाधर पंथ के नाम से भी जाना जाता है ही इज अ अस्टोरियन एंड लिव्स इन पुणे जो एक हिस्टोरियन है और पुणे में रहते हैं सेकेंड करेक्टर राजेंद्र देश पांडे जो एक साइंटिस्ट है ओके इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर प्रोफेसर गाय टोंडे नोन एज गंगाधर पान इज अ हिस्टोरियन प्रोफेसर गाय टोंडे जिनको कि गंगाधर नाम से भी जाना जाता है वो एक हिस्टोरियन है ही लिव्स इन पुणे वो पुणे में रहते हैं ही हैज़ अ ऑफेन प्रिजाइडेड ओवर लेक्चर्स ऑन हिस्ट्री एंड इज़ नाउ प्रिपेयरिंग फॉर इज थाउजेंडे प्रेजिडेंशियल एड्रेस सो so, गंगाधर पंत लेक्चर प्रिजाइड करते हैं हिस्ट्री के ऊपर ओके okay? और उन्होंने अभी तक 999 लेक्चर्स लेक्चर दे दिए थे अब उनको थाउजेंड लेक्चर के लिए आ, प्रेपरेशन करना था ओके okay? सो so, थाउजेंड लेक्चर के लिए प्रेपरेशन कर रहे थे द टॉपिक ऑफ एड्रेस इज गोइंग टू बी वट कोर्स हिस्ट्री वुड हैव टेकन इफ द रिजल्ट ऑफ बैटल ऑफ पानीपत हैड गोन द अदर वे ओके और उनकी जो थाउजेंड्स लेक्चर था उसका टॉपिक होने वाला था कि हिस्ट्री कैसी होती अगर बैटल ऑफ पानीपत अदर वे हो जाती अपोजिट हो जाती ओके मतलब जीतने की जगह हार जाती ओके तो हिस्ट्री कैसी होती इस टॉपिक के बारे में वो लिखने वाले थे स्पीच बोलने वाले थे ठीक है दैट इज़ इफ मराठा सेट बोन एंड एमल शाह अब्दाली हैड बीन डिफीटेड ठीक है और वो था कि मराठा अगर जीत जाते और अहमद शाह अब्दाली आ, हार जाता तो हिस्ट्री कैसी होती ओके okay? ये वो सोच रहे थे बट फ्यू डेज बिफोर ही गिव्स दिस एड्रेस प्रोफेसर गाय इज़ हिट बाय अ ट्रक व्हाइल ही इज गोइंग फॉर इज इवनिंग स्ट्रॉल ओके सो इस, इस, uh, okay? so, इस लेक्चर को देने से पहले जब प्रोफेसर गायटोंडे इवनिंग स्टॉल पे थे इवनिंग वॉक पे थे तो उस टाइम पे वो एक ट्रक के साथ हिट कर जा हिट कर जाते हैं ओके okay? वेन ही कम्स टू हिमसेल्फ इट इज़ ऑलरेडी मॉर्निंग और जब उनको होश आता है तो वो मॉर्निंग टाइम होता है बट इन द मेन टाइम ही हिज माइंड हैज़ बीन टू अ नंबर ऑफ़ डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री ओके लेकिन इस टाइम पर जब वो अनकॉन्शियस थे कोमा में थे तो इस टाइम पर उनके माइंड में बहुत सारी हिस्ट्री के पीरियड्स में से वो जाके आते हैं और उनकी जो हिस्ट्री है वो मिक्स हो जाती है एंड प्रोफेसर गाइटोंडे कैन रिकॉल ऑल एक्सपीरियंस वेरी विबिडली और जब उनको होश आता है तो वो सारे जितने भी एक्सपीरियंस थे वो उसको बहुत ही विबिडली उनको याद कर सकते थे ही न रेट्स देम टू वन राजा देश पांडे हु इज़ अ साइंटिस्ट और वो सारी चीज़ें जो उन्होंने अपने कोमा में देखी थी जहाँ पे उनकी हिस्ट्री मिक्स हो गई थी वो सारी चीज़ें वो राज्रा देश पांडे के साथ शेयर करते हैं डिटेल्स अमरी प्रोफेसर गाइटोंडे वॉ इज़ फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे बाय द जी जी माता एक्सप्रेस अ ट्रेन विच वॉज फास्टर दैन डेकन क्वीन ओके प्रोफेसर गाइडोंडे पुणे से बॉम्बे बाय जी जी माता एक्सप्रेस ट्रेवल कर रहे थे ओके okay? और उनकी ट्रेन डेकन क्वीन से भी फास्टर चल रही थी मीन्स ये हो सकता है कि डेकन क्वीन बहुत ज्यादा फास्ट ट्रेन है और इसमें एग्जाम्पल दिया है कि उनकी ट्रेन डेकन क्वीन से भी फास्टर चल रही थी एज ही वॉज क्रॉसिंग टाउन्स एंड विलेजेस ही मेट अ मैन नींट खान साहब वो टॉक्ड अबाउट हीज बिजनेस एंड चैटेड अबाउट सेवरल थिंग्स दि गॉटअप एट विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन विच वॉज नीट एंड क्लीन जैसे ही वो टाउन और विलेज़ के बीच में से जारी थी उनकी ट्रेन उस टाइम पे उनको खांस मिलते हैं ट्रेन में जो उनसे बात करते हैं उनके बिजनेस के बारे में उनके साथ चैट करते हैं ओके okay? और अदर सेवरल थिंग के बारे में भी बात करते हैं द गॉटअप एट विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन विच वॉज नीट एंड क्लीन और वो विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन पे उतर जाते हैं जो कि बहुत ही नीट एंड क्लीन स्टेशन था ओके इट हैड ब्रिटिश ऑफिसर्स पार्सिस एंड एंग्लो इंडियन स्टाफ ऑल अराउंड और विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन पे बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर भी थे पार्सिस थे एंग्लो इंडियन स्टाफ भी था ऑल अराउंड ओके ही वॉज कंफ्यूज एज टू हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज रूलिंग द कंट्री एज अकॉर्डिंग टू इज फैक्ट दे हैड फ्लैड अवे आफ्टर द इवेंट ऑफ एटीन सेवनटीन और वो कंफ्यूज हो जाते हैं ब्रिटिशर्स को देख के कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे हमारी कंट्री पर रूल कर रही है जबकि वो उनके फैक्ट के अकॉर्डिंग 1857 में वो भाग चुके थे ओके ही वेंट टू द दॉर्नवाई रोड ओके एंड नोटिस दैट शॉप्स वर डिफरेंट ही एंटर्ड द फॉर्ब्स बिल्डिंग एंड इंक्वाय अबाउट मिस्टर विनय गाई ओके सो वो हॉर्नवाई रोड पे जाते हैं और वो नोटिस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स को वहाँ पे एंड ही एंटर द फॉर्ब्स और वो फॉर्ब्स में चले जाते हैं फॉर्ब्स बिल्डिंग में और जहाँ पे वो मिस्टर विनय गाइटोने के बारे में इंक्वायर करते हैं बट एज चेक्ट बाय द रिसेप्शनिस्ट नो सच मैन हैड एवर वर्क देयर और जैसे ही रिसेप्शनिस्ट ने वहाँ पे चेक किया तो उनको इस नाम का कोई भी आदमी नहीं मिला मीन्स उनके बहुत सारी ब्रांचेज में भी इस नाम का उनको कोई भी आदमी नहीं मिला he went to the टाउन hall हॉल एंड सेट इन रीडिंग रूम ओके वो टाउन हॉल चले गए और टाउन हॉल में जाके वो एक रीडिंग रूम में बैठ गए ही टुक फाइव बुक्स रिलेटेड टू द हिस्ट्री एंड एंड डिसाइडेड टू गो थ्रू दैम वन बाय वन एंड चेक हाउ द फैक्ट्स आर चेंज्ड अब जब वो मीन्स ये सारी जर्नी क्या है जी माता एक्सप्रेस से जा रहे हैं अब वो यहाँ लाइब्रेरी में भी बैठते हैं ये सारी जर्नी उनकी माइंड की जर्नी है ठीक है ये अपने माइंड में ये नरेट कर रहे हैं प्रोफेसर साइंटिस्ट देश पांडे को ठीक है राजेंद्र देश पांडे को ये नरेट कर रहे हैं सारा चीज़ें ओके लेकिन ये सारी कंडीशन क्या है जब वो जीजी माता एक्सप्रेस में जा रहे हैं मीन्स दिस इज़ नॉट द जर्नी ऑफ ट्रेन दिस इज द जर्नी ऑफ माइंड ठीक है मीन्स रिमेंबर हियर वो माइंड की जर्नी है अभी माइंड की जर्नी कर रहे हैं वो और माइंड की जर्नी के बारे में ही बता रहे हैं कि कैसे कैसे उनको लग रहा था ठीक है अपने माइंड में ही माइंड की जर्नी में ही वो टाउन uh, हॉल जाते हैं और वहाँ पे एक रीडिंग रूम में बैठते हैं और वो वहाँ पे फाइव uh, वॉल्यूम मंगवाते हैं अपने बुक्स के जो उनकी ही बुक्स थी हिस्ट्री पे ठीक है और एंड डिसाइडेड टू गो थ्रू दैम वन बाय वन एंड चेक हाउ टू फैक्ट चेंज और उन सारी बुक्स को वो चेक करना चाहते थे किस तरह से जो फैक्ट थे वो चेंज हुए थे ही स्टार्टिड इन्वेस्टिगेटिंग फ्रॉम द पीरियड ऑफ अशोका टू द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत और उन्होंने अशोका की बुक से स्टार्ट किया और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तक उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया कि कहाँ पे उनकी हिस्ट्री मिक्स हो गई थी अकॉर्डिंग टू द फिफ्थ वॉल्यूम भाव साहेब वांची वाखर ही फाउंड आउट दैट मराठा हैड बॉर्न द बैटल ऑफ पानीपत एंड स्प्रेड देयर इन्फ्लुएंस ऑल ओवर इंडिया आफ्टर दैट ओके सो अकॉर्डिंग टू फिफ्थ वॉल्यूम जब उन्होंने फाइव वॉल्यूम पढ़े अपनी अपनी ही उनकी बुक्स थी जब उन्होंने फिफ्थ वॉल्यूम निकाला भाव साहेब वांची वाखर ओके जिसमें उनको उन्होंने देखा कि जो मराठास थे वो जीत गए थे बैटल ऑफ पानीपत ओके और पूरी इंडिया पे उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस को स्प्रेड कर दिया था ही वॉज़ कन्फ्यूज एज इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम वट ही न्यू फार सो फार और वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे कि जो वो जानते थे वो सारी चीज़ें बिल्कुल ही डिफरेंट थी ओके आफ्टर द विक्ट्री इंडिया वॉज मूव टू द पाथ ऑफ डेमोक्रेसी ठीक है अब वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आफ्टर विक्ट्री इंडिया डेमोक्रेसी के पाथ पे चल पड़ा था देर वर नो लॉन्गर एनी किंग्स रूलिंग एंड डेमोक्रेटिक पार्टीज़ हैड विन सेटअप ओके अब वहाँ पर कोई भी किंग नहीं थी जो रूल कर रहे थे ओके okay? और डेमोक्रेटिक पार्टीज थी जो कि वहाँ पर सेटअप हो गई थी द प्रोफेसर स्टार्ट लाइकिंग इंडिया एज ही कैप्ट रीडिंग फर्दर अबाउट इट जैसे ही uh, प्रोफेसर ने स्टार्ट किया इस तरह से पढ़ना कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टीज आ गई थी ठीक है और यहाँ पर वो uh, इस इंडिया को लाइक करने लगे थे और वो आगे पढ़ते गए इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द वन ही बिलीव्ड ही सॉ ठीक है और जो उन्होंने देखा था वो मैच नहीं करा था जो उन्होंने रियल लाइफ में देखा था ओके okay? उससे और आ, इस तरह से उनको दोनों चीजें डिफरेंट लग रही थी वो बुक्स भी और जो टाइम uh, भी उन्होंने देखा था ओके दिस कंट्री न्यू हाउ टू स्टैंड ऑन इट्स फीट एंड इट वॉज नो लॉन्गर लिव अंडर द वाइट मैन अब वो बुक पढ़ रहे थे और बुक में उन्होंने देखा कि अब वो कंट्री वो वाली कंट्री देख रहे थे जहाँ पे इंडिया अपने पैरों पे खड़ा था ठीक है और आ, कोई भी किसी का स्लेब नहीं था कोई भी वाइट मैन के स्ले अंडर स्लेब नहीं थे ओके एज ही वॉज गोइंग थ्रू द बुक द लाइब्रेरियन टोल्ड हिम टू फिनिश सिंस देवर क्लोजिंग द लाइब्रेरी जैसे ही वो बुक आ, पढ़ रहे थे उस टाइम पे लाइब्रेरियन आते हैं और उनको बताते हैं कि उनको बताया कि लाइब्रेरी क्लोज होने वाली है तो वो अपने काम को फिनिश कर ले इट वॉज एट ओ क्लाक और वो एट ओ क्लाक का टाइम था एंड ही आस्ड अबाउट कैरिंग द बुक्स विद हीम एज ही वुड रिटर्न द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड स्लीप द वर बुक इन टू हिस्स लेफ्ट पॉकेट और उन्होंने पूछा कि क्या वो कुछ बुक्स ले जा सकते हैं ठीक है क्योंकि वो कल वापस से फिर से मॉर्निंग में आएँगे और वो उनको बताते हैं कि जितनी भी बुक्स उन्होंने ओपन करके रखी है क्या वो उन बुक्स को वैसे की वैसी ही खुली रखेंगे क्योंकि वो कल मॉर्निंग में आएँगे और बुक्स को फिर से स्टडी करेंगे ओके okay? सो so, इसी बीच में वो क्या करते हैं जैसे वो जा रहे होते हैं तो भाखर बुक का भाखर बुक को अपनी लेफ्ट पॉकेट में डाल देते हैं ओके ही चेकड इन टू अ गेस्ट हाउस एंड हैड इज डिनर अब वो एक गेस्ट हाउस में जाते हैं और वहाँ जहाँ पर जाके उन्होंने अपना डिनर लिया ही डिसाइडेड टू वॉक टूवर्ड आजाद मैदान ओके okay? अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो आजाद मैदान जाएंगे ही नोटिस अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल गोइंग टू अ पंडाल और उन्होंने नोटिस किया कि वहाँ पे लार्ज क्राउड पंडाल में जा रहा था ठीक है ये वही आज़ाद मैदान है जहां पे उनका एक्सीडेंट हुआ था जहां पे वो कोमा में चले गए थे ओके सो so, अब वो उसी कोमा में है और उन्होंने वहीं डिसाइड किया ठीक है कि वो आज़ाद मैदान जाएंगे ही नोटिस अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल गोइंग टू अ पंडाल और उन्होंने नोटिस किया कि एक बड़ा सा पंडाल ठीक है बड़े बहुत सारे क्राउड लोगों का पंडाल की तरफ जा रहा है ओके अ लेक्चर वॉज गोइंग ऑन बट नोटिस समथिंग अनयूजअल अब वो देखते हैं कि एक लेक्चर वहां पर चल रहा था लेकिन कुछ चीजें थी जो कि अनयूजल थी द प्रिजाइडिंग चेयर वॉज एम्पटी उन्होंने देखा कि जो प्रिजाइडिंग चेयर थी जहाँ पे प्रेजिडेंट uh, बैठते हैं वो चेयर एमपटी थी कोई भी उस पेपर नहीं बैठा था द स्पीकर वॉज टॉकिंग एंड द क्राउड वॉज कॉन्टीन्यूसली मूविंग इन साइड एंड आउटसाइड और स्पीकर कॉन्टीन्यूसली बोल रहा था और जो क्राउड था वो अंदर बाहर कंटिन्यूसली मूव कर रहे थे ही कुड नॉट कंट्रोल यूम सेल्फ एंड मूव टूअर्ड द स्टेज एंड सेट ऑन द चेयर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते प्रोफेसर गाइडों और वो जाते हैं और उस चेयर पर बैठ जाते हैं बट रिमेंबर दिस इज जर्नी ऑफ माइंड ओके ये रियल नहीं है उनके माइंड की जर्नी है जब वो कोमा में थी उस टाइम की जर्नी है जो उन्होंने अपने कोमा में देखा ओके okay? अब वो स्टेज में जाते हैं और उस वीकेंड चेयर पर बैठ जाते हैं ओके द क्राउड वॉज टेकन अवैक एंड स्टार्ट इड आस्किंग हीम टू गेटअप ओके एंड मूव अवे अब जो क्राउड था वो जोर जोर से चलाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने और एकदम से बोना स्टार्ट कर दिया अब केट द चेयर चेयर को खाली कर दो ओके गेटअप एंड मूव अवे उठो और यहाँ से जाओ ही ट्राई टू टॉक टू दैम बट दे स्टार्ट थ्रोइंग सेवरल ऑब्जेक्ट्स एट हीम सजेस्ट मैटोस एग्स एक्सेट्रा ओके जैसे ही उन्होंने बोलना स्टार्ट किया लेडीज़ एंड जेंटलमैन वैसे ही आ, लोगों ने उनके ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्ट फेंकना स्टार्ट कर दिया जो भी उनके हाथों में आ रहा था लाइक टोमेटो एग्स एक्सेट्रा ओके सोन द क्राउड मूव टू हिम टू पोश हिम अवे एंड ही वॉज नो वेयर टू बी सीन जल्दी ही क्राउड उनकी तरफ मूव हुआ और उनको बाहर फेंक दिया ठीक है उन्होंने स्टेज से उठा के उनको बाहर फेंक दिया ओके और उसके बाद वो कहीं भी नहीं दिखे मींस यहाँ तक की जो जर्नी थी वो उनकी माइंड की जर्नी है ठीक है ट्रेन से लेके इनके आज़ाद मैदान में फेंके जाने तक इनकी जो जर्नी है ये इनके माइंड की जर्नी है जो कि कोमा में ये जर्नी देख रहे हैं ओके ये रियल जर्नी नहीं इनके माइंड की जर्नी चल रही है नेक्स्ट ही वो कप इन अ हॉस्पिटल बेड एंड सो राजेंद्र इन फ्रंट ऑफ हिम नेक्स्ट जब वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाते हैं वो देखते हैं कि उनके सामने राजेंद्र प्रसाद है ठीक है जब वो कॉन्शियस होते हैं उनको होश आता है तो उनको लगता है कि वो हॉस्पिटल में थे और राजेंद्र उनके सामने थे रेटेड द होल सिक्वेंस ऑफ इवेंट दट टूक प्लेज ओके सो वो पूरा सिक्वेंस इवेंट का राजेंद्र प्रसाद को राजेंद्र देश पांडे को सुनाते हैं और वो बहुत ज्यादा अमेजड हो जाते हैं हैरान हो जाते हैं सुन के ओके द प्रोफेसर वॉज कंफ्यूज एज टू वेयर ही वॉज एंड इफ ही हैड बीन इन इन अ कोमा फॉर द पास्ट टू डेज ओके तो प्रोफेसर गायटोंडे बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको लगता है कि अगर वो कोमा में हैं तो पाँच टू डेज से वो कहाँ थे ओके वट वॉज द एक्सपीरियंस इज जस्ट हैड एंड वॉज इट द रियल और नॉट और उनका जो एक्सपीरियंस उन्होंने लिया था टू डेज से वो जहाँ थे ठीक है वो रियल था या नहीं था वो इसके बारे में सोच सोच के कन्फ्यूज होते राजेंद्र एक्सप्लेन टू हिम दैट इट हैपन बिकॉज ऑफ टू थ्योरीज राजेंद्रा ने उनको एक्सप्लेन किया कि ये टू थ्योरीज के कारण हुआ कैटेस्ट्रॉपिक थ्योरी एंड लैक ऑफ डिटर्मिनीजम इन क्वांटम थ्योरी ओके उन्होंने बताया कि ये सब टू थ्योरी के कारण हुआ ये थ्योरीज थी कैटेस्ट्रॉपिक थ्योरी और डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी ओके कैटेस्ट्रॉपिक थ्योरी स्टेट्स दैट स्मॉल चेंज इन एनी सिचुएशन कैन रिजल्ट इन अ शिफ्ट इन बिहेवियर कैटेस्ट्रॉफिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एक छोटा सा चेंज ठीक है किसी भी सिचुएशन में एक छोटा सा चेंज किसी के बिहेवियर में चेंज ला सकता है ओके okay? ये राजेंद्रा प्रोफेसर देश को बताते हैं इन रियलिटी द मराठास लॉस्ट द लीडर भाव साहेब विश्वास राव ओके एंड हैंस दे लॉस द बैटल और इन रियलिटी मराठास ने अपने टू लीडर्स को खो दिया था भाव साहेब और विश्वास राव को ओके okay? एंड uh, इस तरह से वो जो बैटल थी उसको हार गए थे बट प्रोफेसर सो दैट द बुलेट मिस्ड एंड विश्वासराव वॉज नॉट डैड लेकिन प्रोफेसर ने आ, उस वर्ल्ड में जाके जहाँ पे वो कोमा में थे ठीक है उस जर्नी में उन्होंने देखा कि जो बुलेट थी बुलेट थी वो बुलेट विश्वासराव से आ, मिस हो गई थी और वो उनकी डेथ नहीं हुई थी ठीक है मीन्स जो बुलेट थी उनको टच नहीं कर पाई थी वो बाल बाल बच गई थी और इस तरह से राव जिंदा थे वो मरे नहीं थे ओके मीन्स ये अपने माइंड की जर्नी में वो देखते हैं प्रोफेसर देन शोड हिम द टॉन पेज ऑफ भाखर बुक दैट ही हैड इन इज पॉकेट अब प्रोफेसर गाय टोंडे uh, राजेंद्र को भाखर बुक का जो पेज उन्होंने अपने पॉकेट में डाला था अपनी माइंड की जर्नी के टाइम पे उस uh, पेज को वो किसको दिखाते हैं देश पांडे को दिखाते हैं राजेंद्र रीड इट केयरफुली एंड डोड इम द रियलिटीज़ कैन डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल अब राजेंद्र ने उन सारी चीज़ों को रीड किया उस पेपर को रीड किया और बताया कि रियलिटीज़ डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए वॉट इॉट हैड हैपन इट यर कैटेस्ट्रॉपिक एक्सपीरियंस और वो क्या सोचते हैं ठीक है ठीके? वो क्या है एक कैटेस्ट्रॉपिक एक्सपीरियंस है कि उन्होंने क्या सोचा उससे पहले और क्या हुआ उनके साथ ये एक कैटेस्ट्रॉपिक एक्सपीरियंस है राजेंद्रा टोल्ड इम दैट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन वन कैन नॉट प्रिडिक्ट विच पाथ द इलेक्ट्रॉन टेक्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम राजेंद्रा जी भी बताते हैं प्रोफेसर गाइटोंडे को कि इलेक्ट्रॉन के केस में ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि इलेक्ट्रॉन कौन से पाथ में कौन से टाइम में जाते हैं ही टोल्ड इम दैट इट इज द लैक ऑफ डिटर्मिनीज़म इन क्वांटम थ्योरी एंड एक्सप्लेन टू हिम वॉट इट मीट और उन्होंने प्रोफेसर गाइटोंडे को बताया कि लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म के कारण हुआ क्वांटम थ्योरी में एंड उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इसका मतलब क्या है ओके इन वन वर्ल्ड द इलेक्ट्रॉन मे बी फाउंड हीयर एंड इन अनदर और वो बताते हैं कि एक वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकते हैं और एक में दूसरे वर्ल्ड में हो सकते हैं इट मे बी फाउंड इन अनदर वर्ल्ड अनदर प्लेस बट इन अ थर्ड वर्ल्ड ओके और थर्ड वर्ल्ड में ये भी हो सकते हैं ओके इट मे बी एट डिफरेंट लोकेशन और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड में हो सकते हैं वंस द ऑब्जर्वर नोज अबाउट द करेक्ट प्लेसिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एवरी वर्ल्ड इट माइट हैपन दैट एन अल्टरनेटिव वर्ल्ड एग्जिस्ट एट द सेम टाइम ओके और साथ में बताते हैं कि वंस अगर ऑब्जर्वर ये जान लेता है कि जो करेक्ट प्लेसिंग है इलेक्ट्रॉन की एवरी वर्ल्ड में वो क्या है इट माइट हैपन दैट इन अल्टरनेटिव वर्ल्ड एग्जिस्ट एट द सेम टाइम इसका मतलब है कि कोई अल्टरनेटिव वर्ल्ड सेम टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा है ओके हैंस द प्रोफेसर वाज इन टू डिफरेंट वर्ल्ड्स एट द प्रेजेंट टाइम और जो प्रोफेसर गाइटोंडे थे उस टाइम पे टू डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे थे ओके okay? प्रेजेंट में वो टू डिफरेंट डिफरेंट टाइम को जी रहे थे एक तो उनका प्रेजेंट टाइम था और दूसरा वो कोमा में थे और कोमा में वो डिफरेंट डिफरेंट हिस्ट्री को यहाँ पे फील कर रहे थे ही हैड रियल लाइफ एक्सपीरियंस इन एन अल्टरनेटिव रियलिटी ठीक है एक उनका रियल लाइफ एक्सपीरियंस था जो कि अल्टरनेटिव रियलिटी थी एंड ही केम बैक फ्रॉम एन अदर वर्ल्ड और वो दूसरे वर्ल्ड से वापस आए थे दूसरा वर्ल्ड मीच कोमा से वापस आए थे जहाँ पे उन्होंने एक अदर वर्ल्ड को वहाँ पर एक्सपीरियंस किया था डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ हिस्ट्री को एक्सपीरियंस किया था वो द वर्ल्ड है डिफरेंट हिस्ट्रीज एंड डिफरेंट सेट्स ऑफ इवेंट और दोनों ही वर्ल्ड में डिफरेंट हिस्ट्री थी और डिफरेंट सेट ऑफ़ इवेंट ओके द प्रोफेसर वॉन्टिड टू नो वाई ही वॉज द वन टू मेक द ट्रांजेक्शन प्रोफेसर ये जानना चाहते थे कि वो एक क्यों वो एक अकेले क्यों थे ऐसे जिनके साथ इस तरह का ट्रांजिशन हुआ उनकी जो दुनिया थी वो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में उनका ट्रांजिशन हुआ चेंज हुआ राजेंद्र टोलडीम दैट एट द टाइम ऑफ कॉलेजन विद द ट्रक द प्रोफेसर वॉज थिंकिंग अबाउट द कैटेस्ट्रॉफिक थ्यूरी एंड इट्स रोल इन द वॉल ओके और प्रोफेसर आ, को राजेंद्र बताते हैं कि जब उनका कॉलिजन हुआ था ट्रक के साथ जब वो ट्रक के साथ हीट हो गए थे उनका एक्सीडेंट हो गया था और वो कोमा में चले गए थे ठीक है जब उन वो ट्रक के साथ हीट हुए थे उस टाइम पर हो सकता है कि प्रोफेसर कैटेस्ट्रॉपिक थ्यूरी के बारे में एक डिस्ट्रक्टिव थ्यूरी के बारे में सोच रहे थे और वो रोल ऑफ वॉर के बारे में सोच रहे थे आ, शायद तभी इस तरह का हुआ उनके साथ ओके ही वॉज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत एट दैट मोमेंट कि हो सकता है कि उस टाइम पे वो बैटल ऑफ पानीपत के बारे में सोच रहे थे और सच में यही था कि उस टाइम पे प्रोफेसर गाइटोंडे बैटल ऑफ पानीपत के बारे में सोच रहे थे सो द न्यूरोन इन द ब्रेन एक्टेड एज अ ट्रिगर एंड मेड द ट्रांजिशन और इस तरह से उनके ब्रेन में न्यूरोन बने और वो उन्होंने एज अ ट्रिगर काम किया और वो इसे उनके लाइफ में ट्रांजिशन आया वो एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में ट्रांजिट हो गए ओके द प्रोफेसर वॉज इन दैट अल्टरनेटिव वर्ल्ड फॉर द लास्ट टू डेज और प्रोफेसर उस अल्टरनेटिव वर्ल्ड में लास्ट टू डेज थे मीन्स टू डेज तक वो कोमा में थे और टू डेज तक वो uh, इस जर्नी को कर रहे थे ओके मीन्स ये जर्नी थी जी, जी माता एक्सप्रेस से लेके जो भी जर्नी थी ट्रेन से ठीक है और ये इनकी माइंड की जर्नी है नॉट बाय ट्रेन ओके सो रिमेंबर दिस इज जर्नी ऑफ माइंड, नॉट द ट्रेन जर्नी ओके सो आई होप यू ऑल हैव इंजॉयड द चैप्टर दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू सी एर सोन मैं नेक्स्ट वीडियो टील दैन बाई टेक क्योर